मॉर्निंग क्लास 10th। चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करते हैं जो आपके साथियों ने पूछे, आपके फ्रेंड्स ने पूछे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आपके ही क्लास के एक आपके फ्रेंड ने पूछा, उसका नाम है बेटा राखी। दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय राखी गौतम। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, एंड आई होप आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे बेटा। जो क्वेश्चंस ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं, इसी तरह जैसे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करके। बट आप क्वेश्चन सेंड करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा। तो बड़े सोल्यूशन है, क्या टू लेंस ऑफ पावर -5D एंड, तो बड़े क्वेश्चन है टू लेंस ऑफ पावर -5D एंड 3D मीन्स टू लेंस पावर, पावर मतलब P1 -5D, ये आपका लेंस कौन सा होगा, माइनस में आपका पावर मतलब कॉनकेव लेंस, P2 है आपका 3D मतलब ये आपका कॉनवेक्स। बेटा इतना समझ लीजिए, यदि आपकी पावर, ये आपका पावर आपकी माइनस में है तो कॉनकेव लेंस, यदि आपका पावर प्लस में है तो कॉनवेक्स लेंस, इतना समझ लीजिए। उसके बाद क्या रहा है, आर प्लेस द कॉन्टेक्ट टू द फॉर्म ऑफ कंपोजिट। अब यहाँ पे कंपोजिट लेंस मतलब इन दोनों की पावर को प्लस करना पड़ेगा, मतलब दोनों लेंस लाइक अ कॉनकेव एंड कॉनवेक्स इस तरह अटैच जोड़ कर रख दिया गया, कुछ इस तरह प्लेस कर दिया गया। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो बेटा 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, किसमें, कंपोजिट लेंस में। अब बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑलवेज माइनस, फॉर्म द कंपोजिट लेंस, कहाँ पर कंपोजिट लेंस है, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, हमें वी फाइंड करना है। तो वी फाइंड करने के लिए हमें एफ एंड यू बोथ मालूम होना चाहिए, क्योंकि लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे वी और एफ होगा, तब हमारा यू एंड एफ होगा, तब हमारा वी आएगा। तो हम बेटा एफ यहाँ से फाइंड आउट कर लें, कैसे बेटा, कंपोजिट पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू पी। तो बेटा पी इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों के फोकल लेंथ को बेटा प्लस पावर को प्लस कर देंगे, P1 है -5D, P2 है हमारा 3D, प्लस करें तो माइनस का 2D आएगा। तो बेटा पावर ऑफ कंपोजिट लेंस कितनी आ गई, माइनस का 2D। आप बेटा यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो बेटा पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/F फोकस लेंथ। तो बेटा एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/-2। क्यों 100 बेटा, हमने बताया था ये मीटर में होता है और जितने डायोप्टर निकाला जाता है सेंटीमीटर में निकाले जाते हैं, तो ये इसको मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, डिवाइड कर देंगे -50 सेंटीमीटर, फोकस लेंथ हमारी कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। अब हमें वी निकालना है बेटा, लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, लेंस फार्मूला होता है बेटा 1/F इक्वल्स टू 1/V -1/U। एफ बेटा हमें ऑलरेडी आया -50, वी हमें फाइंड आउट करना है, यू हमें दिए बेटा -50 सेंटीमीटर। अब बेटा इसको सॉल्व करें, 1/-50 वी, -- ये हो जाएगा +1/50। अब बेटा इसका अपोजिट साइड सेंड कर देंगे, तो -1/50 -50 इक्वल्स टू 1/V। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों के डोमिनेटर क्या है बेटा, इक्वल है, डोमिनेटर क्या है बेटा, इक्वल है। तो बेटा आपस में प्लस हो जाए, तो -1 -1/50 इक्वल्स टू 1/V। तो बेटा -2/50 V डिवाइड कर देंगे 24 हो जाएगा। तो बेटा वी इक्वल्स टू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी, -25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज जो पोजिशन, एंड अब उसने पोजीशन भी पूछा, पोजीशन हमारी इतनी होगी, तो पोजीशन किधर होगी बेटा, माइनस में भी, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन क्या होगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बेटा राखी का था।
लेंस का अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड राखी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 20 नंबर कशिश ने पूछा है। कशिश इतने समय बहुत मेहनत कर रही है, लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, वेरी गुड बेटा। कशिश का क्वेश्चन क्या है, पहला आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज एज अ स्फेरिकल मिरर आर लेंस। हमें आइडेंटिफाई करना है डिवाइस को जो यूज हो रही है किसमें, स्फेरिकल, जिसमें यूज हो रहा है स्फेरिकल मिरर या लेंस, दोनों में से एक कोई यूज हो रहा है, मिरर यूज होगा या लेंस यूज होगा उस डिवाइस में। इन फॉलोइंग केस, कुछ नीचे केस दिए गए हैं, वेन इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड इन एज केस, मतलब कह रहा है कि आपका कुछ नीचे आपको केसेस दिए गए हैं, उनमें एक डिवाइस है, डिवाइस यूज किया गया है, उस डिवाइस में या स्फेरिकल मिरर लगा या लेंस लगा, दो में से एक लगा हुआ है। अब क्या स्फेरिकल मिरर किस में लगा या लेंस, ये आइडेंटिफाई करना है। बट एक कंडीशन दे दी उसने कि इमेज जो बन रही है डिवाइस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। हमने कहा ठीक, वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो पहला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन डिवाइस इट्स फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ है, बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, उसके फोकस और डिवाइस के बीच में, कहाँ है फोकस और डिवाइस के बीच में, मतलब लेंस और फोकस के बीच में या मिरर है फोकस के बीच में। इमेज फॉर्म होते इनलार्ज एंड बिहाइंड इट, मतलब इनलार्ज बड़ी बनती है और कहाँ बनती है, पीछे बनती है। तो बेटा ध्यान से समझो, जितने केस ऑफ वर्चुअल इमेज, टोटल आपके वर्चुअल इरेक्ट इमेज के 6 केसेस होते हैं, टोटल आपके 6 केसेस होते हैं, उन 6 केसेस में आपको ढूंढना है आपका। तो ये ध्यान से समझ लो बेटा, एक जो केस आपको पढ़ाया था कॉनकेव लेंस में बेटा, आपका लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस हो जाता बिटवीन लेंस आपका मिरर एंड फोकस के बीच में, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिवाइस है मतलब उसमें मिरर या लेंस लगा हुआ है, और फोकस मतलब मिरर और फोकस के बीच में या लेंस और फोकस के बीच में, तो आपकी इमेज बिहाइंड, तब बिहाइंड आपके किस में बनती है, मिरर में। तब बेटा यहां पर आपका आ जाएगा आंसर कॉनकेव मिरर, कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव मिरर। इसी केस में है ये आपका केस नंबर, इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 6 है जो मैंने कराया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर और इनलार्ज्ड बनती है। कैसी बनती है, इनलार्ज्ड बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, ये आपका पहला। आगे ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड डिवाइस, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है, कहाँ बिटवीन फोकस एंड डिवाइस के बीच में, इमेज फॉर्म द इनलार्ज एंड सेम साइड एज दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही तरफ बनना है, इसमें कहाँ बन रही थी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा था, मतलब लेंस या कोई भी उसके पीछे बन रहे थे, तो इसलिए कौन क्यों हो गया। अब कह रहा सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज है और इमेज इनलार्ज्ड है। तो बेटा ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर कॉनवेक्स मिरर की बात करें तो बेटा उसमें बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बनाना है, उसमें अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट होता है कॉनवेक्स मिरर में। फिर आता है कॉनकेव लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है बोथ में, बट वो इनलार्ज नहीं बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तो यहां पर आपका केस बचा बेटा आपका कौन सा, 6 नंबर केस किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का आपको जो 6 नंबर केस है वो बना। तो वो केस को ध्यान से देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के 6 नंबर केस में, जब ऑब्जेक्ट बेटा 6 नंबर केस बेटा, ध्यान से जिसने पढ़ा होगा ये केसेस बहुत ध्यान से इमेज फॉर्मेशन, उसको ये कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस के 6 नंबर केस क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, तब बेटा इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही तरफ बनती है और इनलार्ज बनती है। इसमें कौन सा होगा आंसर, होगा इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस आंसर। सी नंबर, अब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस इन्फिनिटी एंड डिवाइस, कहाँ इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में प्लेस है, इमेज फॉर्म द डिमिनिस्ट एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको तो आंख मूंद कर लगा दो। कॉन्केव लेंस के बेटा दो केसेस केवल, कॉन्केव लेंस के दो केसेस,
एक एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, एक बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी एक कैसी होता है, तो जिसमें इमेज कैसी बनती है, डिमनेस बनती है, छोटी बनती है और सेम साइड ऑब्जेक्ट बनती है। ध्यान करो केस नंबर बेटा सेकेंड कॉन्क्यूलेंस का, तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा कॉन्क्यूलेंस। अब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में प्लेस, ठीक, इमेज फॉर्म डिमनिस्ट एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पोल एंड फोकस यूज किया है, तो सिंपल से बात है डिमनिस एंड पोल एंड फोकस के बीच में एक ही में बनता है बेटा, वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ही पोल मतलब ऑप्टिकल सेंटर किसमें यूज किया जाता है, लेंस में, पोल किसमें यूज किया जाता है, मिरर में। अब बेटा सिंपल सा वर्चुअल इमेज डिमनिस, सबसे छोटी इमेज क्या वर्चुअल इमेज किसमें बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, कॉनकेव में एक वर्चुअल इमेज बनती है बट वो इनलास बनती है, बड़ी बनती है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में एक ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, पोल एंड फोकस के बीच बनती है बट कैसी बनती है, डिमनिस बनती है। तो इसमें कौन सा मिरर यूज किया गया होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके चार इसके क्वेश्चन थे, ये आपके चार क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष सिंह ने पूछा है क्लास 10th B से। क्वेश्चन क्या है बेटा आयुष का, बेटा अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल एंड 20 cm, एक कॉन्वेक्स लेंस है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं बेटा, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ठीक बेटा। क्या रहा फोकल लेंथ है हमारी 20 cm, हमने 20 cm ले ली, ठीक। प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल रियल इमेज, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीफाइड इमेज को भी एंड वर्चुअल एज वेल रियल, मतलब वर्चुअल एंड रियल दोनों, बेटा बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नीफाइड प्रोड्यूस दोनों प्रोड्यूस करता है, आप भी जानते हो बेटा, ठीक, वेरी गुड। हमें बताना क्या है इन दिस स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, यस बेटा, दिस is correct statement, ये क्या है, yes this is correct statement, ये correct statement है, बिल्कुल सही। if yes where shall the object be placed in each case obtaining enlarged, enlarged है बेटा image, sorry image है ये, obtain image place each case of obtaining image, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं निकाल देंगे। कह रहा है कौन कौन से ऐसे केस होते हैं, तो पहला आ जाओ, पहला केस कौन सा है उस पर ध्यान दे देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू F1 and F1, या कह सकते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड फोकस, कहां पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन टू F1 and F1, तब बेटा आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द कर्वेचर, मतलब C2 कर्वेचर, मेरे केसेस के अकॉर्डिंग, जिस केस में आपको जिस तरह समझाता हूँ बेटा कि C2 C1 कहाँ पर है, उसके केस के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, और इमेज बनेगी बेटा C2 बियॉन्ड द C2, एंड इमेज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज का कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा बेटा, मैग्नीफाइड होगा या इनलास्ट होगा,
लार्ज हो गया, ये आपको फर्स्ट हो गया। सेकंड केस आपका आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेकंड फोकस या F1 सेकंड फोकस इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड साइज कैसा होगा, मैग्निफाइड होगा या इलाज होगा हाईली। थर्ड बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, सेकेंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब प्लेस होगा तब बेटा इमेज कैसी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। नेचर क्या होगा इमेज का बेटा, वर्चुअल होगा बेटा इसमें एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा एंड साइज ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, तो इस ये भी क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी बेटा। केस नंबर 6, केस नंबर 5, केस नंबर 4, 6, 5, 4 ये केसेस हैं जो मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको बताए थे। तो सिंपल से जब इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस होंगे तो इमेज ऐसे बनेगी। और बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लें कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस होगा। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस होगा बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के बीच में। अब यहाँ पर देख लें बेटा अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग एट 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस पे ही होगा एट 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें बेटा वहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा यहाँ पर कहाँ होगी बिटवीन 0 to 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगी इस वाले केस में। तो ये आपका आर आयुष का था बेटा क्वेश्चन, ये आपका कुछ इस तरह सॉल्व होगा बेटा। आपका ऑब्जेक्ट की प्लेस आपको बताना, उसमें इमेज की प्लेस बताना और इमेज का नेचर कैसा बनेगा ये बताना और मैग्नीफाइड और ये बताना है कि आपका जो फोकल लेंथ इसीलिए दी गई आपको उसका एग्जैक्ट प्लेस बताना है कि किसके बीच में होंगे। तो बेटा आपके बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो बेटा 20 सेंटीमीटर आपका फोकस है तो 40 सेंटीमीटर आपका क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्योंकि फोकस से डबल होता है, फोकल लेंथ से डबल होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बेटा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका यहाँ पर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट प्लेस होता है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो 0 to 20 के बीच में, 2 ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा मुझे लग रहा है 0 to 20 सेंटीमीटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल है इरेक्ट बनेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश ने पूछा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस क्या है बेटा? सुधा फाइंड आउट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो ऑफ हर लेबोरेटरी इन फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहने का मतलब है सुधा बेटा लेबोरेटरी में काम कर रही थी और शार्प इमेज फॉर्म कर रही थी एट अ विंडो हर लेबोरेटरी, जो विंडो की बन रही थी, जो उसकी लेबोरेटरी में जो विंडो थी उसकी इमेज बन रही थी, जो बेटा फॉर्म होती है फ्रॉम सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पे बन रही थी। सी नाउ ट्राई टू फोकस द बिल्डिंग विजुअल टू हर आउटसाइड ऑफ द विंडो। यहाँ पर जो इमेज 15 सेंटीमीटर तो विंडो की बन रही थी, बट वो ट्राई कर रही थी कि जो विंडो से बाहर एक बिल्डिंग थी उसकी इमेज बनाने के लिए। इंस्टीड ऑफ विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस इन विच डायरेक्शन स्क्रीन मूव द ऑब्टेंड शार्प इमेज ऑफ, मतलब वो लेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेंस जहां पर फिक्स है वहीं पर रखना चाह रही थी, और ये पूछ रहा है कि स्क्रीन को कैसे मूव करें, स्क्रीन को किस तरह मूव करें कि आपकी जो बिल्डिंग की जो इमेज है वो शार्प बने। कैसी बने? शार्प बने, मतलब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बने इमेज। तो इसको बेटा सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा पूछा है बेटा, बहुत नाइस क्वेश्चन, मुझे पसंद आया क्वेश्चन। कशिश आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अब बेटा इसको सॉल्यूशंस करते हैं, इसका सॉल्यूशन में कोई आपका सॉल्व नहीं करना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कुछ भी, इसमें सारा थ्योरेटिकल है। अब थ्योरेटिकल कैसे है ध्यान से समझ लेते हैं। अब बेटा ध्यान इतना समझो बेटा कि यहाँ पर यूज किया जाएगा यूज कॉन्वेक्स लेंस। सुधा कौन से लेंस को यूज कर रही थी? कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर रही थी, क्योंकि आपके स्क्रीन की नीड किसमें होती है? कॉन्वेक्स लेंस में होती है। अब बड़े ध्यान से समझते हैं कि मान लेते हैं एक ये लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, ये बन गया। मान लेते हैं बेटा कि आपका विंडो पेन से बेटा आ रही थी इमेज और उसको शार्प इमेज बन रही थी, शार्प इमेज बन रही थी कॉन्वेक्स लेंस बेटा, वो बाहर मान लेते हैं यहां पर कहीं विंडो थी, इसके बाहर कहीं बिल्डिंग होगी बेटा, उसकी इमेज इसको बनाते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन इधर प्लेस होगी, स्क्रीन किधर होगी? इधर होगी। तो वो कह रहा है स्क्रीन को कितना शिफ्ट करें, किस तरफ शिफ्ट करें कि जो इमेज है आउटसाइड ऑफ विंडो, जो बिल्डिंग की इमेज है वो किस तरह बनेगी। तो यहां पर आपका सिंपल सा आ जाएगा द इमेज फॉर्म्ड फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कैसे पता चला बेटा? स्क्रीन की नीड है तो रियल बन रही होगी, सिंपल सी बात है, स्क्रीन है। तो बेटा ये पहला पॉइंट ये, फिर कह रहा है देयरफॉर द लेंस, जो लेंस यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? द लेंस इज कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, ऊपर ही मैंने बता दिया था, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा यूज किया जाए। बेटा ध्यान समझ लेते हैं, जो हमारा ये आया, यहां से एक चीज ध्यान से देखें, सेकंड पॉइंट पर जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट से किसकी? लेंस की, और ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज की, वो इंक्रीज एंड डिक्रीज। हमने केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशंस के, केस पढ़े थे, ध्यान से एक चीज समझ लो, जब केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशंस के, तो बेटा जैसे जैसे हम पास आ रहे थे लेंस के ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे थे, लाइक दिस आपका ले लेते हैं सिक्का, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास मिलाते थे तो बेटा इमेज डिस्टेंस इंक्रीज होती थी ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे इमेज ऐसे दूर चली जाती थी, लाइक दिस। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की इधर करते थे तो इमेज बेटा डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इमेज की डिस्टेंस आप लेंस फ्रॉम द लेंस बेटा डिक्रीज होती है। अब बेटा हम बेटा डिक्रीज करें बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, बेटा इमेज की डिस्टेंस इंक्रीज होती है फ्रॉम द लेंस, ऐसा होता है। इसको पीछे करते हैं तो ये आगे आती है, और इसको बेटा आगे करते हैं तो ये पीछे जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है, मतलब कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
एक इंक्रीज द दूसरा डिक्रीज, और दूसरा डिक्रीज द पहला वाला इंक्रीज। तो सिंपल सा ये आपका, तो यहीं पर बन जाएगा क्या, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बोल जो इमेज फॉर्म की जाती है, फ्रॉम द लेंस डिक्रीजेस, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, डिस्टेंस ऑफ जो रियल इमेज है जो फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स फ्रॉम द लेंस, उसकी क्या होती है डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज एज द ऑब्जेक्ट, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब बेटा वो डिक्रीज होगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीज, इंक्रीजेस। सिंपल सा अभी जैसे हमने समझाया था बेटा, सेम उसी चीज को लिखा हमने, द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज की जिस किसमें फॉर्म हुआ है इमेज कॉन्वेक्स लेंस में फ्रॉम द लेंस डिक्रीजेस, वो डिस्टेंस क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे लाइक समझाया था अभी मैंने यहाँ पर, कि जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होगी। बेटा केसेस बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इमेज फॉर्मेशन का आपको समझ में आ जाएगा आपका। ध्यान से जब हमारा ऑब्जेक्ट बेटा बियॉन्ड द फोकस होता था तो कहाँ बनता था हमारा, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में, जैसे बेटा फोकस में आ जाता था टू एफ वन पे या टू एफ टू में बनता था, जहाँ बेटा एफ वन एंड एफ टू एफ वन एंड एफ वन के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता था बियॉन्ड टू टू एफ टू हो जाता था। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास में आता उसी तरह से इमेज फॉर्मेशन में आपने ध्यान दिया होगा कि इमेज उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाती, तो सेम एज वही आपका लिखा गया कि डिस्टेंस लेती। अब उसके बाद आपका तो इसमें क्या होगा, जब आपका इस तरह होगा तो आपके स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, द स्क्रीन मूव्ड टूवर्ड्स द लेंस, स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा, टूवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ, और लेंस को जब करेंगे तो टू ऑप्टेन, जब लेंस को मूव करेंगे टू ऑप्टेन शार्प इमेज, हमें कैसी इमेज बनेगी, शार्प इमेज मिलेगी, कैसी इमेज बनेगी, शार्प इमेज मिलेगी। तो अप्रॉक्स जो फोकल लेंथ बनेगी, अप्रॉक्स जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी अप्रॉक्स, ये कंफर्म नहीं अप्रॉक्स होती है। अब बेटा यहाँ पे फोकस अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर ली गई, तो अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर क्यों ली गई इस पे ध्यान देते हैं बेटा, लाइट रे कम्स फ्रॉम द विंडो पेन आर कंसाइडेड टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब जो लाइट रे आ रही है विंडो प्लेन से उसको कंसाइडेड किया जाता है, उसको माना जाता है, उसको लिया जाता है कि वो कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। जैसे हमने पहले भी समझाया था एक दिन कि आप जैसे उस दिन आपका कि आपकी यहाँ पर जो इन्फिनिटी होती है, जो आप इन्फिनिटी को जो मानते हैं कि जो डिस्टेंस हमें मालूम होती है वो इन्फिनिटी में काउंट नहीं की जाती, वो बेटा हमें मालूम, बट यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में कभी कभी हम लोग जब हम मिरर के उसमें यूज़ करते हैं कि उसको हम कंसाइडर कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रही है, ले कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी। जैसे बिल्डिंग है जो आपकी आउटसाइड ऑफ लेबोरेटरी, बेटा वो उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको इजीली मेजर किया जा सकता है, बट उसको कंसाइडर कर लिया जाता है कि वो कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी में आ रही है। तो इसकी वजह से जो आपकी फोकल लेंथ बनती है अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर बनती है। ये आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आयुष ने ही पूछा था हमसे, ये क्वेश्चन है बेटा, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिलेटेड, मतलब पावर और फोकल लेंथ आपस में कैसे रिलेट होते हैं, ठीक। यू आर प्रोवाइडेड विद द टू लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, हमें दो लेंस के फोकल लेंथ प्रोवाइडेड 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर।
विच लेंस विल बी यूज टू ऑप्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट, मतलब किसमें आपकी जो दो लेंस दिए गए हैं जिनकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सा लेंस की बेटा जो लाइट है वो ज़्यादा कन्वर्जेंट होगा, मतलब कौन सा लेंस है जो ज़्यादा कन्वर्जेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इसको आ जाते हैं सॉल्यूशन करते हैं बेटा। हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ लेंस रिलेटेड, तो ये कैसे रिलेटेड है बेटा, पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का, या फोकल लेंथ किसका रेसिप्रोकल होता है, पावर ऑफ लेंस की। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीस कस्ट वन बाई एफ, तो वन बाई एफ क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, पावर ऑफ लेंस का, या कह सकते हैं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला यहाँ भी ये भी बनता है वन बाई पी, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। यहाँ से पूछा कि कौन सा लेंस, हमें आपका इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन गिवेन टू लेंस, हमें क्या दिए हैं टू लेंस, तो बेटा एफ वन हमें दिए है बेटा 20 सेंटीमीटर एंड एफ टू दिए है बेटा हमें 40 सेंटीमीटर। बेटा सिंपल सा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कन्वर्जेंट होगा, तो बेटा पावर ऑफ लेंस बेटा पावर निकालने बेटा पी वन वन अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो 100 अपॉन 20 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। पी टू आ जाएगा बेटा हमारा 100 अपॉन 40 सेंटीमीटर, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। अब बेटा ध्यान समझ लेना, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, पी वन बेटा पी टू से बड़ा है, तो सिंपल से दिख रहा है 5 डायोप्टर एग्जिस्टेड इन 2.5 डायोप्टर। तब बेटा जिसकी पावर ज़्यादा वो मोर कन्वर्जेंट, तब बेटा यहाँ पर पी वन इज मोर कन्वर्जेंट जेंट लाइट देन पी टू, मतलब जो पी वन है वो मोर कन्वर्जेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा किससे, देन पी टू, ये ध्यान रखना। तो मतलब जिसका पावर बेटा ज्यादा उसका ज्यादा, बेटा सिंपल से यहां पे ये लिख सकते हैं हाई पावर पावर मोर लाइट कन्वर्जेंट, मतलब जैसे ज्यादा पावर ज्यादा होगी उसकी कन्वर्जेंट पावर ज्यादा होगी, हाई पावर जितनी पावर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका पी वन की पावर ज़्यादा है इसलिए इसकी लाइट कन्वर्जेंट पावर ज़्यादा होती, तो ये आपका आंसर होगा, तो पी वन ऐसा हो गया, तो सिंपल सा हमारा ये हो गया हमारा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कशिश जी का है, इस पर भी डिस्कस करते हैं बेटा। ये कशिश ने क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के उसका, और जो क्वेश्चन कुछ अनुष्का ने भी पूछे हैं वो क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ही इतना बड़ा वीडियो हो गया है कि आपको इनफ टाइम नहीं है, तो बेटा इसलिए कल की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस रखेंगे या फिर हम ओरली हम जूम में बता देंगे आप लोगों को। अब बेटा यहाँ पर अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ द टू प्लेन मिरर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट इवन मे बी एंगल ऑफ इंसिडेंट सो द सेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने कहा ठीक वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसा होगा बेटा ध्यान से देखते हैं, सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं बेटा। कह रहा है व्हेन टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट राइट एंगल विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे को राइट एंगल में रखा जाए विच ईच अदर,
देन तब बेटा एंसीडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर, तब एक दूसरे क्या हो जाएंगे ईच अदर के पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल हो जाते हैं। तब क्या इसको डायग्राम के साथ हमें दिखाइए, हमने कहा ठीक है अच्छी बात हम दिखा देते हैं। अब बेटा फिर हमने क्या किया, दो हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये ड्रॉ किया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पॉलिश होगा बेटा, हमने पॉलिश भी कर दिया। हमने क्या कहा कि जब दो प्लेन मिरर आपस में राइट एंगल पे होते हैं, किसमें राइट एंगल पे, किसमें पे राइट एंगल पे, राइट एंगल तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा बेटा ये। तब बेटा कहते हैं कि आपस में जो इंसिडेंट रे है, लाइक है बेटा ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल रे हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, नॉर्मल रे, अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। बेटा यहाँ से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई बेटा, यहाँ पर पहुंच गई। ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे, बट इसके लिए ये क्या है इंसिडेंट रे, इसके लिए क्या है ये इंसिडेंट, यहां तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पर क्या रिफ्लेक्टेड रे, बट इसके लिए क्या है इंसिडेंट रे, तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर हो गया। अब बेटा यहां पर ये एंगल आई हो गया, अब बेटा यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और पैलर होगी एक दूसरे के, क्या होगी पैलर होगी एक दूसरे के, तो एंसिडेंट रे दोनों आपस में पैलर हो जाएंगे। तो यहां पर हम इसको ए बी सी डिनोट कर दे, पॉइंट होगा। अब हमें प्रूफ करना है ये जो एंगल है 90 डिग्री है कि नहीं, राइट एंगल प्लेस करना, इसको प्रूफ करना है राइट एंगल में प्लेस है कि नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा, राइट एंगल के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से समझ लेते हैं कि बेटा हमारी जब भी नॉर्मल रे होती है वो सरफेस से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, सरफेस से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल वन और इसको मान लेते हैं एंगल टू। तो बेटा ध्यान से समझे बेटा, यहाँ पर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको और इसको प्लस कर दिया जाए, एंगल वन प्लस टू ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा बेटा कि नहीं आएगा, एंगल आई प्लस टू ये वाला एंगल और इसको प्लस किया तो 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल रे। अब इसी तरह बेटा एंगल आर प्लस एंगल वन कर दिया जाए कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तब एंगल वन टू निकाल लें बेटा तो 90 माइनस एंगल आई आएगा। अब इसको बेटा एंगल वन निकाल लें हम, क्या आएगा 90 माइनस एंगल आर आ जाएगा, ध्यान समझ लेना ये हमारा 2 है ये हमारा 1 है। बेटा नॉर्मल रे बेटा सरफेस से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। बेटा एंगल आई प्लस आर मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, एंगल आई प्लस आर एंगल आई प्लस टू कितना हो गया 90 डिग्री। उसी प्रकार बेटा आर प्लस वन बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना 90 डिग्री, तो ये भी 90 बनेगा। तो एंगल टू निकाल लेंगे बेटा तो बेटा आई को अपोजिट साइड भेज देंगे एंगल टू आ जाएगा। एंगल वन निकाल ले वन निकाल लेंगे वैल्यू वन तब बेटा तो हम आर को अपोजिट साइड भेज देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ध्यान से एक ट्रायंगल बन गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल टू कितना है हमारा, मतलब ए हमारा एंगल टू, बी हमें फाइंड आउट करना है एंड सी हमारा एंगल वन है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस एंगल आई प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा इन दोनों को प्लस कर दें कितना आएगा 180 हो जाएगा। बेटा इन दोनों को ब्रैकेट में ले लें तो एंगल आई
प्लस एंगल आर हो जाएगी, क्योंकि माइनस क्या हो गया, कॉमन हो गया, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 से 180 कट गया। अब बेटा ध्यान से, अब बेटा हम क्या करेंगे, बी को अपोजिट साइड भेज देंगे, क्या करेंगे, बी को अपोजिट साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाए, माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू माइनस एंगल बी, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। अब बेटा हम देखें, बेटा पैरेलल लाइंस हैं, क्या है, पैरेलल लाइंस है, जब पैरेलल लाइंस हैं तो बेटा इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री को क्लास 9 में पढ़ाया गया था, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो सेम साइड एंगल्स का सम, सेम साइड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बेटा अब बेटा पैरेलल लाइंस, अब बेटा ध्यान से, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा इन्हें कहते हैं सेम साइड एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस के सेम साइड है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एंगल आई प्लस टू एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ बेटा यहाँ पे टू कॉमन ले लेंगे, बेटा क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू, अब बेटा जब यहाँ पर प्लस करेंगे टू एंगल, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा टू ब्रैकेट एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अब बेटा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। अब बेटा ध्यान समझे, एंगल आई प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ वैल्यू पुट कर देता है, तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मीन्स क्या है कि बेटा कि एंगल बी, हमारा एंगल बी क्या था बेटा यहाँ पर, ये हमें यही प्रूफ करना था 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसको हम देख ध्यान से देख लेते हैं आपका कि टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री ईच अदर, या राइट एंगल ईच अदर तो सो उधर सो दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पैरेलल आंसर। ये आपका हो गया, ये आपके क्वेश्चंस हो गए सारे। अब बेटा जिसके क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में प्लेस कर देंगे, और जिसको जो भी डाउट हो वो बेटा हमें सेंड कर दे, क्वेश्चंस को प्लेस कर देंगे। अभी क्षितिज साहू का भी एक क्वेश्चन है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे बेटा।